हूँ सादिक। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मेरे पास एक बाइक आई हुई थी, पल्सर 150 BS3। उस बाइक में क्या हुआ था कि कस्टमर जो है बाइक को धक्का मार करके गैरेज लेकर के आया था। तो उस बाइक में हमने चेक किया था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसमें करंट सबसे पहले हमने चेक किया तो करंट भी फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत नहीं था। जब करंट दे रहा था तो हमने कॉइल वगैरह को चेक उक नहीं किया, बैटरी उटरी भी चेक उक नहीं किया। हमने पलक वगैरह लगाया हूँ, ओरिजिनल पलक लगाने के बाद स्टार्ट किया हूँ, स्टार्ट नहीं हुआ था। उनके बाद हमने फिल्टर, कार्बोरेटर, जितना भी चीज़ होता है हमने सारा चीज़ सफाई करके देखा था, जेड वगैरह जितना भी है, फिल्टर वगैरह ये सब 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 कुछ करके देखने के बाद फिर भी बाइक को स्टार्ट कर रहा था, तो फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस बाइक में सिर्फ बैटरी भी नहीं था, तो जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, करंट भी दे रहा था, तो हम बैटरी पर भी ध्यान नहीं दिए। उनके बाद जब हमने हार गया, थक गया, उनके बाद हमने सोचा एक बैटरी लगा करके देख लें। तो जैसे हम न्यू बैटरी एक असेंबल किए, बैटरी लगाए, फिर उसके बाद एक किक मारे, बाइक फौरन स्टार्ट हो गया। तो हमने समझा कि हो सकता है कि बाइक का चार्जर ख़राब होगा, जिसके वजह से हमारा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जब हमने बैटरी को नया लगाया और जैसे बैटरी का प्लस का तार खोला तो बाइक फौरन बंद, हम समझ गए क्योंकि इसमें चार्जर ख़राब होगा। तो अब यहाँ से और भी देखिए क्या समस्या हो रहा था। जब हमने कहा कि भैया इसका चार्जर ख़राब है, चार्जर लाना पड़ेगा, तो कहा अभी रहने दीजिए, हम बाद में लगा लेंगे। तो हमने एक पुराना बैटरी Z4 का, हालांकि उसमें पल्सर में 9B का बैटरी लगता है, तो हमने छोटा बैटरी Z4 का, अब वो भी ख़राब बैटरी था, नया नहीं था, हमने उसको लगाया और बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। हमने कहा कस्टमर से कि हो सकता है बैटरी हल्का सा चार्ज होगा, इसीलिए बाइक स्टार्ट ले लिया। बाइक अगर बंद हो जाए तो आपको किक नहीं मारना है, रेगुलेटर लगाना है और लाके लगाना है, आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो कस्टमर ने कहा ठीक है भाई। उनके बाद Z4 बैटरी हमने लगाया हूँ और लगाने के बाद बाइक भी दे दिए हैं और बाइक चल रहा फर्स्ट क्लास, कोई